हमारी ये परेशानी है कि हम घर छोड़ के आ गए हैं आपके पास, तो हम क्या करेंगे अब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज एक महिला जो है महाराज जी के पास आई है, अपना घर परिवार और अपने बच्चे को छोड़ करके, और बोल रही है कि मैं महाराज जी आपके ही पास रहने वाले हूँ। तो महाराज जी भी ये बातें सुन करके हैरान हो जाते हैं और उनकी सूझबूझ से पूरी जवाब देते हैं और किस तरीके से महिला को हैंडल करते हैं, ये आप उस महिला की पूरी सच्चाई जानेंगे। ये सवाल बहुत ही आश्चर्य कर देने वाला था और महाराज जी भी हैरान हो गए थे। तो आप लोग यदि इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा, और जो लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बार बोल दीजिएगा जय श्री कृष्णा राधे राधे कमेंट बॉक्स में, और देखते हैं इस पूरी वीडियोस को। हमारी ये परेशानी है कि हम घर छोड़ के आ गए हैं आपके पास, तो हम क्या करेंगे अब। हम यहीं पे रहना चाह रहे हैं ऐसे। वृद्ध माँ का है, आप थोड़ी वृद्ध हो, तो अब हम तो जा नहीं सकते ना बेटा। तुम कहाँ से आई हो? हम बरेली से आए हैं। माता पिता, शादी हो गई आपकी? शादी हो चुकी। पति कहाँ है? पति है। कहाँ है? बरेली। क्या करते हैं पति? काम कुछ करते नहीं है, 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है और वो घर पे बैठे रहते हैं और परेशानी चलती रहती है, इसलिए आपने छोड़ दिया। बहुत मारते भी हैं। तो उनको समझाओ बेटा, उनको कथा सुनवाओ, उनको सही करो। तुम्हारी कथा सुनवाए तो वो क्या कहते हैं, जे फालतू की बातें हैं, और हम जो सुनते हैं हमारा रोज नियम है, अब मगर वो मानती नहीं है हमारी बात, कलेश होता है बहुत। कोई बात नहीं, आप उनको मत कहा करो कि कथा सुनो, एक काम किया करो आप कथा सुना करो। आप थोड़ा आवाज तेज करके थोड़ी उनके कान में धीरे धीरे कर, क्या होता है ना कि डायरेक्ट ना, जो व्यक्ति नास्तिक होता है कथा नहीं सुनता, वो डायरेक्ट नहीं, क्या है, दवाई जो होती है ना डॉक्टर, वो धीरे धीरे कड़वी दवाई शहद में मिला के देता है, क्यों जी। उसी प्रकार भगवान की कथा को भी जो नहीं सुनता, भगवान को नहीं मानता, उन्हें भी भगवान की कथा की दवाई जरा अच्छे से पिलानी पड़ती है, कथा अच्छे से देनी पड़ती है, थोड़ा थोड़ा करके दो, धीरे धीरे जब सुनते 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 वो सुनने लग जाएंगे, तब जीवन में परिवर्तन होता है। अब तो हम क्या करें ऐसा बताओ, तो हम नहीं जाएंगे अब। हम ऐसा है कि अभी आपका जो कर्तव्य है, पत्नी हो, पति के साथ रहना, पति रास्ता भटका है माना कि, पर उसको सही रास्ते पे लाना भी तो पत्नी का धर्म है। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मारते हैं बहुत, और बच्चों मेरे डरते हैं सामने मुझे मारते आपके हैं। बच्चे हैं? बच्चे हैं, डरते हैं मेरे। कहाँ हैं? घर पे हैं। तो आप बच्चों को भी छोड़ के आ गए? जब बच्चों को क्या देखना है, सामने पड़ेंगे जैसे ऐसी हरकत करते हैं सामने माँ बाप, तो क्या अच्छा लगेगा। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बेटे हैं? नहीं, 2 बेटियां 1 लड़का। अच्छा, 2 बेटियां 1 बेटा। तो आपका तो देखो फर्ज यही है कि बेटों को, बेटी को संस्कार दो, कैसे रहेंगे वो आपके बिना, ठीक है। आप सासू माता है तो वो बहुत चाहती हैं और उन्हीं को ज्यादा चाहते हैं बच्चे, हमें नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम यही है कि हमारे, ये तो आपका घरों मैटर है, इसको समझ लो, समझ के आप बात करो। इसमें पति पत्नी के झगड़े में मैं बोल नहीं सकता है ना। चलो, और कोई सवाल? बोलो बेटा। यदि आप इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो।